सर पहले वाला जो आर्मी वाला जो था सर वो नियम तो ठीक ठाक था सर, उसके बाद जो ये अग्निवीर योजना सरकार के द्वारा लागू किया गया सर, इसमें 4 साल का है सर। और दूसरा जॉब में भी नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि आधा सीट जो है वो बिक जाते हैं सर, और 20-25% सीट में हम लोग लड़ते हैं सर। ये सब रास्ता जो है बंद जो हो गया, ये हम लोग को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि हम लोग एक ही सपना देखे थे कि सेना में जाएंगे। आप जानते हो कि अग्निवीर के बाद आप में से मतलब 4 में से 1 ही बचेगा। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ प्रीति झा। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर है, इस दौरान वो कई जगहों पर भ्रमण कर रहे हैं, और वहीं जब वो बिहार के युवाओं से मिले तो उन्होंने कई सारी बातचीत की। जो युवा खासकर अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनसे उन्होंने बातचीत की है, और उनकी समस्या भी उन्होंने जाना है, वो तमाम तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और देखिए कि किस तरीके से राहुल गांधी भी बिहार के युवाओं से बातचीत कर रहे हैं, और जो युवा बिहार के हैं अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं किस तरीके से अपना दर्द बता रहे हैं, सुनिए। सर पहले वाला जो आर्मी वाला जो था सर वो नियम तो ठीक ठाक था सर, उसके बाद जो ये अग्निवीर योजना सरकार के द्वारा लागू किया गया सर, इसमें 4 साल का है सर, 4 साल का, 1 साल का तो ट्रेनिंग में खत्म हो जाएगा सर, 3 साल हम लोग ड्यूटी करेंगे सर, क्योंकि हम लोग पूरा गरीब फैमिली से हैं सर, माँ बाप 200-250 मजदूरी करते हैं सर, उसके बाद हम लोग को पढ़ाते हैं। और दूसरा जॉब में भी नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि आधा सीट जो है वो बिक जाते हैं सर, और 20-25% सीट में हम लोग लड़ते हैं सर, तो हम लोग गरीब फैमिली से हैं सर, उतना वैसा तैयारी। ये आपके लिए रास्ता है, ये रास्ता बंद हो गया तो उसके बाद हम लोग सर ये सब रास्ता जो है बंद जो हो गया, ये हम लोग को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि हम लोग एक ही सपना देखे थे कि सेना में जाएंगे। आप जानते हो कि अग्निवीर के बाद आप में से मतलब 4 में से 1 ही बचेगा, आप जानते हो, तब भी आप ये कर रहे हो? ऑप्शन नहीं है। आपको क्या लगता है ये क्यों किया गया है? अच्छा, अगर हमारा युद्ध होगा तो किससे, किसके साथ होगा? तो चीन या पाकिस्तान के साथ नहीं होगी, चीन और पाकिस्तान के साथ, मतलब दोनों मिलकर लड़ेंगे, ठीक है? अब चीन का जो आर्मी है उसका पैसा कहां से आता है? वहां का शिक्षा व्यवस्था बढ़िया है? नहीं, शिक्षा व्यवस्था से नहीं आता वो, ये जब आप ये खरीदते हो ना, ये चाइना का है, ये मेड इन चाइना का है, ये मेड इन चाइना का है, ये जूते मेड इन चाइना, ये पैसा बन रहा है, उनके बजट में जा रहा है, उनकी आर्मी में जा रहा है, पहली बात ये समझो। अब उनके पास पैसा ज्यादा है, हमारे पास पैसा कम है, हमारा पैसा कहाँ से आ रहा है? हम ये तो नहीं बना रहे ना, तो हमारा कहाँ से आ रहा है? किसके जेब से? हम सब पैसा आ रहा है टैक्स से, और पैसा किसके जेब से आ रहा है? अमीरों के जेब से आ रहा है, गरीबों के जेब से आ रहा है? तो सर हम लोग का कर्जा तो आर्मी का जो बजट है उसमें पैसे की कमी है, इसलिए इन्होंने 4 साल कर दिया, अग्निवीर कर दिया। अब सवाल ये है, 4 साल बाद पता लगेगा, हमें जिसको निकालना हम निकाल देंगे। अब पहली बात उसमें ये नहीं मालूम कौन निकलेगा, ये भी हो सकता है आदिवासियों को निकाल दें, दलितों को निकाल दें, पिछड़ों को निकाल दे, ये भी हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि होगा, मगर हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि भैया अगर इसको गोली लगी, और ये आर्मी वाला मतलब लॉन्ग टर्म वाला है, तो इसको हम शहीद का दर्जा देंगे, मगर इसको गोली लग गई, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। एक बात आपको समझनी है कि जो सिस्टम मोदी जी चला रहे हैं वो सिस्टम, उससे पैसा नहीं बन रहा है, मगर सवाल ये है कि हिंदुस्तान के युवा जो हैं अग्निवीर में, उनका उनके साथ अन्याय हो रहा है या नहीं? मुझे लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, उसको हम नहीं होने देंगे। मेरा एक सवाल है, बोलो। शहीद हो जाते थे तो उसको पेंशन का जो व्यवस्था था ये पेंशन मिलता था, लेकिन अभी बंद कर दिया गया, लेकिन ये सर अच्छा एक बात बताओ, सुबह मैं बताता हूँ। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सरकारी थी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आप जैसे लोग जाते थे, दलित आदिवासी ओबीसी, उसमें रिजर्वेशन है, उसमें आपकी नौकरी लग जाती थी, ठीक है, सेना में आपकी नौकरी लग जाती थी। अब क्या हुआ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को परे कर दिया, अदानी जी बना रहे हैं, अब राइफल अदानी जी बना रहे हैं, गोली भी अदानी जी बना रहे हैं, अदानी जी की कंपनी में आपको रोजगार तो नहीं मिलेगा, तो मतलब यहां वहां से भी रोजगार काट रहे हैं, प्राइवेटाइज करके यहां से भी रोजगार काट रहे हैं। और अगर आप देखें हिंदुस्तान के डिफेंस के बजट में अरबपतियों को दबाकर पैसा बनाया जा रहा है, जो आपको आपके जेब में जो पैसा जाना था, जो आपकी ट्रेनिंग में जाना था, ठीक है, आपके पेंशन में जाना था, आपकी रक्षा में बुलेट प्रूफ जैकेट में जाना था, हेलमेट में जाना था, वो अदानी जी के जेब में जा रहा है। और आपके जो रास्ते थे, एक आर्मी में जॉब पाना, एक इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जॉब पाना, BHEL में जॉब करना, वो सब बंद कर रहे हैं। सर अभी वर्तमान में हम जैसे लाखों हजारों युवा सर 1000 रुपया दे के सर अग्निवीर में सर सिलेक्शन लेते हैं, किसी कारण बस ज्वाइन नहीं हो पाता है सर,
तो आप सर अपोजिट के लीडर हैं सर, कभी आप भी सत्ता में आइएगा क्या सर, इस नीति को सुधारिएगा। हम सरकार में आएंगे, इसको सबसे पहले इसको देखेंगे अग्निवीर हुआ क्यों है, क्योंकि आज तक ये सरकार ने समझाया नहीं हमें, और अगर इसको रोल बैक करा जा सकता है तो हम इसको रोल बैक करने की कोशिश करेंगे। अगर सेना हमें कहे कि देखो भैया हम रोल बैक नहीं कर सकते तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, मगर अगर सेना कहेगी कि हम रोल बैक नहीं कर सकते तो फिर हम सेना से कहेंगे देखिए आपका पहला काम हिंदुस्तान के जवान की देखभाल करने का है, गारंटी हो कि भैया ये जो सेना चार साल करके आए हैं इनको इनको कुछ ना कुछ मिले, ये हम कर सकते। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे पास कुछ महीने पहले आप जैसे लड़के आए तो उनके साथ क्या हुआ, वो 150,000 लोग हैं, युवा हैं, आप जैसी ट्रेनिंग की उन्होंने और उनकी भर्ती हो गई, अग्निवीर से पहले की बात है, उनकी भर्ती हो गई, फिर उनको 3 साल लटकाया गया कि भैया तुम्हें ले लेंगे, तुम्हें ले लेंगे, तुम्हें ले लेंगे, पहले कहा कि भैया कोविड आया है इसलिए तुम्हें नहीं ले रहे, ठीक है, फिर उनको बोला कि देखो कुछ ही देर में हम ले लेंगे, 3 साल लटकाने के बाद उनको कहा भैया तुम्हें हम नहीं ले रहे। मगर आपको आर्मी ने लिया नहीं लिया, इनको तो ले लिया, इनको इनको इन्होंने ले लिया और फिर कहा कि भैया नहीं लेंगे, तो उनके साथ मेंटल टॉर्चर हुआ इनका, तो उनकी भी थोड़ी बात करो। तो आपने सुना कि राहुल गांधी ने क्या कहा, युवाओं से राहुल गांधी ने वादा तो कर दिया लेकिन तमाम चीजें अब देखने वाली होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, धन्यवाद।